ये डार्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं बेटी, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। ओह शुक्रिया बेला। ओह देखो ये कितनी प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई। मैं इसे अभी ड्राई करने वाली हूँ। ओह ये मुझ पर थोड़ी बड़ी है, पर भी शुक्रिया, ये अच्छा तोहफा है। काश मैं इसमें फिट आ सकती। हे एक मिनट रुको, क्या पता मैं आ सकती हूँ। बेला रुको, मेरे पास सेफ्टी पिन और कॉर्ड है और इसके साथ मैं काम बना सकती हूँ। बस ड्रेस को उल्टा करके पहनना है। तो चलो सेफ्टी पिन अपना काम करो। मैं ड्रेस को टाइट करके लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। ध्यान रहे कि ये दोनों तरफ लगाई जाए। अब कॉर्ड को पिंस में से निकालें, पहले एक में डालें और दूसरे से बाहर निकालें। अब बस इसे कस कर बांधें। ठीक है अब इसे वापस सीधा पहन लो। हाँ इसने काम किया और बहुत अच्छे से फिट आ गई। वाह बेटी तुमने कैसे किया, ये तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। हमारी दोस्ती से सुंदर और कुछ भी नहीं है। कुछ लड़कियों को सिर्फ एक्सेसरीज से फर्क पड़ता है, कुछ स्पार्कल के बिना एक आउटफिट ही क्या। हे दोस्तों तुम्हारी चमकीली कहाँ है, क्या तुम्हें उससे एलर्जी है? खैर ये थोड़ा अजीब है, मेरे पास कोई अच्छी एक्सेसरीज नहीं है। इसे देखने के लिए कोई डिटेक्टिव नहीं चाहिए, पर शायद हम मदद कर सकते हैं। हमें बाद में शुक्रिया कहना। हेयर टाइज, मैंने बाल बांधे हुए हैं। ये तुम्हारी शर्ट के लिए है बेवकूफ। ओह मैं अब समझी, अपनी लुक को अच्छा बनाना चाहते हैं। अपनी शर्ट को उठाएं, इस तरह से इकट्ठा करें। जब ये दोनों साइड लग जाए तो इसे नीचे करें और अंदर टक कर दें। प्यारी है ना, बहुत सुंदर है, हमने ऐसा कभी नहीं पहना। अब बताओ ट्रेंड किसने बनाया, सेल्फी। मुझे इसे कैप्चर करना ही होगा। चीज मह, अब लाइक्स आने दो। लगता है यही सही घर है, पक्का मेरी डिलीवरी होगी। ये रही आपकी डिलीवरी मिस। हाँ मुझे पैकेजेस लेना बहुत पसंद है और ये वाला तो ऑस्ट्रेलिया से आया है। बस मैं इसे खोल लूं। चलो भिट्टे खुल भी जाओ, ये किसी काम का नहीं है। ओह बिल्कुल, मैं कैंची का इस्तेमाल करूंगी। हाँ चलो, इससे टेप कट रही है। आखिरकार मैं ये बॉक्स खोल सकती हूँ। ओह नहीं, मैंने तो अपना कोट भी काट लिया और ये पूरा खराब हो गया। कितनी बड़ी गलती है, तो शायद मैं इसका कुछ कर पाऊं। हाँ इसे पहन कर देखते हैं कि हुआ क्या है। अब हमें कैंची चाहिए होगी, जहाँ से ये कटा हुआ है हम इसे वहीं से काटेंगे। लो मैंने इसे पूरा काट दिया। अब मैं नीचे के हिस्से को स्कर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ, यहाँ पर बटन लग जाएंगे। तो चलो अब मेरे पास एक छोटी जैकेट और स्कर्ट है। वाह कितना शानदार लग रहा है, मुझे एक फोटो लेनी चाहिए। इन सेल्फीज पर बहुत सारे लाइक्स आएंगे। हाँ मैं ये फोटो भेजूंगी भी। ओह काश उसे पसंद आए, उसे पसंद आए, उसे बहुत कूल लगी। हाँ देखते हैं। ओह वाह ये आउटफिट तो बहुत प्यारी है, मुझे पसंद आई। ओह नहीं ये बहुत महंगी है, मैं दोबारा चेक करती हूँ। हाँ मेरी जेबें तो खाली है। और दूसरी वाली, अरे नहीं बस $1 है। ठीक है तो मुझे खुद करना होगा। नहीं
नहीं बिल्कुल नहीं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं। ओह हाँ यही, मुझे यही तो चाहिए। ओह चलो भी, ये होल कहाँ से आया? ये कैसा मजाक है? रुको मैं जानती हूँ क्या करना है। जी हाँ, ये रही मेरी पैंट्स और ये रही कैंची। चलो अब काटना शुरू करें। पहले यहाँ से शुरू करेंगे, इसे बिल्कुल अच्छे से काटने के लिए ध्यान रखना होगा। बढ़िया, और अब इसे इस तरह से काटेंगे। ये रहा होल और इसे भी काट देंगे। लो मैंने होल वाली पैंट्स का एक प्यारा सा टॉप बना दिया। मैं जीनियस हूँ, मुझे इसकी सेल्फी लेनी चाहिए। टैग ही लगा देती हूँ, बस इन पर रिंकल्स ना आए। मैं डेट पर इतनी बुरी नहीं दिखना चाहती। ये कहाँ से आया? ओह ब्रायन, तुम बहुत मजाकिया हो। शुक्रिया, कोक लो। ओह ब्रायन, तुम किताबें पढ़ने में बहुत अच्छे हो। माफ करना बेब, ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। ये ठीक नहीं है। को ब्रायन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे उस शर्ट से नफरत है। तो अब हम इसे काटेंगे। इसका हर एक कट मेरे दिल पर बजे कट के बराबर है। वो बेवकूफ हमेशा कॉलर्स पहनता था, तो अब मैं इसे काट दूंगी। और मैं ये स्लीव और कॉलर्स काट दूंगी जैसे उसने मेरा काटा। और अब मैं इसे इकट्ठा करके ऐसे सिलूंगी जैसे मैंने अपने दिल को सिला है। शर्ट का ये हिस्सा इस्तेमाल करना ना भूलें। अगला स्टेप सिंक डिपेंस। अब मैं इन दोनों को साथ में पिन कर दूंगी पूरा अच्छे से, एक कोने से दूसरे तक। हाँ ये बहुत अच्छा बन गया। मैंने उसकी बेकार सी शर्ट को बहुत प्यारी ड्रेस बना दिया। वाह, मैं खुद से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे वो बेवकूफ ब्रायन नहीं चाहिए जब मैं इतनी स्मार्ट और टैलेंटेड हूँ। ओप्सी। कभी एक बिल्कुल साधारण दिन कुछ सेकंड्स में बुरा हो सकता है। ओह ये बहुत बुरा हुआ। बहुत हो गया बेटी, ये शर्ट बिल्कुल नहीं है। ये कैसा मजाक है? मैं अभी कुछ करती हूँ। लिली इसे पकड़ो। अब क्या करोगी? मेरे पास चेंज करने का टाइम नहीं है। लेकिन मैं खुद कुछ फैशन बना सकती हूँ। ओवरसाइज स्कार्फ को खोलें और अपनी कमर पर बांधें। इलास्टिक से इसे यहाँ सिक्योर करें। अच्छे से टाइट करें। जब ये सिक्योर हो जाए तो पीछे के कोनों को दोनों हाथों में लें। अब इसे इसके साथ में बांधें। जब ये हो जाए तो इसे घुमाएं। अब नई स्लीव्स में अपनी बाजू में डालें और इसी तरह आपको एक ब्रांड न्यू टॉप मिल गया। मुझे क्लास में जाना चाहिए। तो चलो, बेटी और बेला धूम मचाने वाले हैं। रुको, तुमने ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहने? मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। बेला सुनो, मैं ठीक कर सकती हूँ, यही रहो। ठीक है, चलो उठो, ऐसे ही मत पड़ी रहो। चलो इसे तुम पर ट्राई करें। ओह बेटी ये बहुत प्यारा है, पर्पल मुझ पर जचता है। आह पर ये ब्रा स्ट्रैप्स दिख रही है। तुम्हें पता है बेटी, मुझे एक आइडिया आया। चलो बाद में मिलते हैं ब्रा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उप्स, लगता है हेयर। तुम्हें पता है, इससे मुझे एक आइडिया आया और इसका सोल्यूशन है ये स्पोर्ट्स ब्रा। ये स्पोर्ट्स ब्रा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल स्टाइलिश नहीं है। बेला तुम समझ नहीं रही। तो ठीक है, देखो ब्रा से पैड्स बाहर आएंगे और हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब समझी? ओह समझ गई, मैं बस इन्हें लगा लूंगी। परफेक्ट, ब्रा स्ट्रैप्स भी नहीं और मेरा काम भी हो गया। अच्छी लग रही हो, आज रात बहुत मजा आने वाला है। ओह खुले बाल अच्छी चॉइस है। आह मुझे अब आराम करना है। मैं इसके हकदार हूँ। ठीक है, मैं स्विम सूट पहन लेती हूँ। ओह नहीं, मेरा स्विम सूट, ये बिल्कुल खराब हो गया। अरे नहीं, मैं कैंडी बार के बारे में तो भूल ही गई। अब तो मैं इसे पहन ही नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ?
रुको, मुझे पता है इसका क्या करना है। ठीक है, मुझे हार्ट के लिए ये कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, इसके साथ अभी काफी काम बाकी है। बढ़िया, पहले मैं इसे अपनी कमर पर बांधना शुरू करूंगी। बढ़िया, ये बिल्कुल स्कर्ट की तरह ही लग रहा है। क्यूट, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। मैं इसे अपनी लातों से निकालूंगी और फिर इस नॉट में टक कर लूंगी। अब इसके कोने से इसे रोल करेंगे और पीछे एक और बार बांध देंगे। लो, ये अपनी जगह पर आ चुका है। टाटा, मैंने एक नया स्विम सूट बनाया। अब मैं धूप में बैठने के लिए तैयार हूँ। अच्छे से हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। वो स्विम सूट एकदम कमाल का है। उसे देखना बंद करो, चलो चलें। ये सूट बहुत अच्छा है, मुझे खुद ही पता है। ओ, माफ करना, मुझे मेकअप टेबल चाहिए। बस थोड़ा सा पाउडर। ये इयररिंग्स अच्छे लगेंगे। ब्राउज मत भूलना। बाल अच्छे लग रहे हैं। मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद है। ये कार्डिगन चलेगा। ठीक है, मैंने पर्स ले लिया। ओ नहीं, पर ये तो नीचे से फटा हुआ है। मेरा स्वेटर कंधे से फटा हुआ है। अब हम क्या करें? बेटी, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? यहाँ चूहा है। निकलो यहाँ से, तुम बहुत बुरे हो। कुछ करो बेला, मुझे चूहे नहीं पसंद। वो गया, शुक्र है। लेकिन हमारा सामान खराब हो गया। रुको, बैग दिखाओ। मेरे पास कुछ है। चलो स्वेटर, अब मैं तुम्हें काटने वाली हूँ। माफ करना, पर मुझे तुम्हें स्लीव के नीचे से काटना ही होगा। और बिल्कुल मुझे यही चाहिए था। इसे कोने से मोड़े और अब ग्लू ले। ग्लू की इस तरह एक लाइन खींचे और अब इसे अच्छे से दबाकर चिपका दे। तो चलो, अब मुझे वो पर्स चाहिए। जरा इसे देखो, स्वेटर बैग पर फिट आ गया। अब मैं बैग पर थोड़ा और ग्लू लगाकर इसे यहाँ एडजस्ट कर दूंगी ताकि स्वेटर इससे निकले नहीं और अच्छे से लगा रहे। तो चलो, परफेक्ट। देखो बेला, स्वेटर ने बैग ठीक कर दिया। वाह, ये तो लाजवाब है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। शुक्रिया बेटी। हाँ, पर ये मेरा है। ये मेरा पर्स है। हाँ, पर मैंने इसे अपने स्वेटर से ठीक किया है। वापस दो। आज लॉन्ड्री डे है। शुक्र है धोने के लिए काफी कपड़े नहीं है। मेरी जीन्स, मुझे बहुत पसंद है। ये सब में से मेरी मन पसंद है। हो गया, बस थोड़े से ही कपड़े हैं। तो चलो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं वॉच पर टाइम लगा देती हूँ और यहाँ रहकर इंतजार करते हैं। वाह, मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। हाँ, बस ये कपड़े धुलने ही वाले हैं। ओह, हो गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। ये रही मेरी स्कर्ट। क्या, इसे क्या हो गया? ये इतनी छोटी कैसे हो गई? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी फेवरेट जीन्स के साथ ऐसा ना हो। लगता है ये ठीक है, मुझे इन्हें ट्राई कर लेना चाहिए। चलो भी, फिट हो जाओ। इन्हें खींचना होगा। कोई काम का नहीं, ये श्रिंक भी हो गई है। मेरी फेवरेट जीन्स पूरी खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है? मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इन्होंने मुझे धोखा दिया है। मुझे तो बस इनसे प्यार था। रुको, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं उल्टा पहनती हूँ। इन्हें दोनों लातों पर चढ़ाना होगा और फिर मैं इन्हें ऊपर ले आऊंगी। हाँ, ये काम किया। मैंने पैंट्स के साथ सही खेल खेला। तो स्कर्ट, मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी मनपसंद जीन्स बच गई और ये बिल्कुल नई जैसी लग रही है। अब मैं अपना दिन शुरू कर सकती हूँ। दिन की बहुत जरूरत थी। मैंने काफी समय बर्बाद किया। मेरा फोन, वो मुझे 5 मिनट में लेने आ रहा है। मैं ऐसे तो नहीं जा सकती। ओह, इससे भी बुरी लग सकती हूँ क्या?
क्या ये साफ है? बिल्कुल भी नहीं। और ये वाला पिंक अच्छा जाएगा। लगता है मुझे मिल गया। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये दोगुना बड़ा है। पर मुझे इससे काम चलाना होगा। तो इसे टक कर लेते हैं। कम से कम अब मेरी शेप तो नजर आ रही है। शायद काफी ज्यादा। जरा इस कपड़े को तो देखो। ओ नहीं, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इस तरह शर्ट को रोल करें, ऊपर चढ़ाते जाएं। अब इसे ध्यान से टक करें। अब बिल्कुल कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ और ये टमी एकदम स्मूथ है। चलो शाम बिताएं। ओह, बाहर तो बहुत ठंड है। लगता है मैंने सही कपड़े नहीं पहने हुए। ओह, बाहर तो बहुत ठंड है। ये स्कार्फ सब ठीक कर देगा। ओह नहीं, मैंने गलत पहना है। मैं दोबारा करूंगी। नहीं, ऐसे भी नहीं। ओह, कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? हे बेटी, उदास क्यों हूँ? अपनी स्कार्फ की वजह से। मुझे दो। ओह बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, इसे तुम्हारे गले में डालेंगे। अब एक साइड को खींचकर लंबा करते हैं और अब इसे दो बार घुमाकर लंबे वाले को गर्दन से निकालते हैं और बस आखिर में इस तरह टक कर देते हैं। ये कितना प्यारा और स्टाइलिश है। बहुत बहुत शुक्रिया बेला। और अब मैं इस मौसम के लिए तैयार हूँ। वो पर सोते हुए अखबार के लिए कैसे तैयार रहूँ? शुक्रिया, किसी ने देखा नहीं। ये लिपस्टिक अच्छी है। हाँ, आज सेल है। मैं आ रही हूँ। हाँ, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी अच्छा है और सब कुछ डिस्काउंट पे है। वाह, ये तो काफी ज्यादा तेज था। समझ गया, समझ गया। ये तो बहुत बुरा है। यहाँ एक चीज बची है मिस। ये बहुत प्यारा है। शायद ठीक है, मैं ट्राई कर लूंगी। खैर, देखते हैं फिट भी होता है या नहीं। डिजाइन तो अच्छा है। क्या, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है और मैं तो इसमें झूल रही हूँ। मुझे कुछ रीइंफोर्समेंट्स चाहिए होंगे। यहाँ कुछ बेल्ट्स हैं। वो क्लिप, मैं बस इसे एक सेकंड के लिए लूंगी। और मुझे यही चाहिए था। इसे थोड़ा खोलें, कपड़े को थोड़ा इकट्ठा करें और पिन से इसे सुरक्षित कर लें। और अब ये बहुत सही फिट हो जाता है। मैं इसे यहीं से पहन कर जाऊंगी। बस मुझे कुछ बढ़िया से पम्प्स चाहिए। क्या मैं कोई फैशन जीनियस हूँ या क्या? इतनी अच्छी सेल के लिए शुक्रिया। चेंज रख लेना। हे, मैंने एक क्लिप लगाया हुआ था। बहुत अजीब बात है। योगा के लिए तैयार हो और प्ले। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? ये ट्रिकी होता जा रहा है पर हम प्रो हैं। सांस लेना मत भूलना। अब अपनी टॉर्सो को स्ट्रेच करें। क्या मैं सही कर रही हूँ? और अब ऊपर चलो। ये शर्ट बहुत लूज है।
चलो भी ऊपर रहो। ये मेरे चेहरे को परेशान कर रही है। तुम ठीक हो ना बेटी? खुद ठीक हो जाएगी। बहुत हुआ, मैं और नहीं सह सकती। ये शर्ट इसके लिए बहुत बेकार है, पर शायद मैं इसे ठीक कर पाऊँ। दोनों तरफ से पकड़े, क्रॉस करें और एक दूसरे में टक्कर दें। देखा? हे, तुमने शर्ट के साथ क्या किया? ये बहुत अच्छा है। ओह, अगला पोज। बहुत अच्छा कर रहे हो। अब सेंटर ढूंढो। चलो अगली बार मिलते हैं। जी हाँ, मैं समझ गया। अब मुझे पेंट चाहिए। चलो पेंट करें। हाँ, मुझे कलर पसंद है। ये बहुत अच्छा है। यहाँ भी करता हूँ। मैं यहाँ अकेली क्यों हूँ? अब मुझे उसे टेक्स्ट करना होगा। मैं यही हूँ, तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ। गुस्सा आता है। हाँ, ये क्या है? ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। ये पेंट गीला था। ओह नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब मेरे पूरे हाथ पर पेंट है। रुको। ओह नहीं, मेरे पैंट्स। मैं गीले पेंट पर बैठी हूँ। कितना बुरा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूँ? इसे साफ कर लूँ? पहले हाथ से साफ करने की कोशिश करती हूँ। इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या ये फैब्रिक से हट जाएगा? मैं तो फंस गई। बहुत बुरा हुआ। हाँ, क्या अच्छा लग रहा है। मैंने जो बनाया। हाँ, क्या वो लड़की रो रही है? खैर, अब मुझे बुरा लग रहा है। वो सच में रो रही है। ओह हे, मैं ठीक कर सकता हूँ। तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, तो तुम ही यहाँ हो। चलो यहाँ आओ। अच्छा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो वो, रोना बंद करो। और ये लो। हे भगवान। ओह सॉरी, ये रहा मेरा रुमाल। ओह, मुझसे दूर रहो, ये काम नहीं आएगा। ओह रुको, मैं तुम्हारी परेशानी में मदद कर सकता हूँ। ऐसे ही रहो, मैं अपना पेंट तुम्हारी पैंट पर करता हूँ। हाँ, अब वो प्लीज। थैंक्स, ये बहुत अच्छा हो रहा है। बस नीचे की तरफ भी कलर करेंगे, बाहर की तरफ थोड़ा येलो करेंगे। ओह, ये तो कमाल का लग रहा है। दूसरी साइड पर भी करेंगे। हाँ, और पेंट, हर जगह पर पेंट। हे भगवान, ये तो कमाल का लग रहा है। विश्वास नहीं होता। तुम्हारा वेलकम, मुझे भी ये पसंद आया। वाओ, तो लूं। मुझे इसके लिए तुम्हें पैसे तो देने होंगे। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। उसने मुझे इतने पैसे दे दिए। हे सॉरी, मैं लेट हूँ, पर मैं आ ही गई। ओह, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्यों? पर हमें पहले वहाँ जाना होगा। ओह हे, तुम वापस आ गई। देखो यहाँ क्या है। यूनिक डिजाइन, सिर्फ $10 में। अब यहाँ कुछ सफाई करने का समय है। फिर ये बहुत मेहनत का काम है। ओह, एक टेक्स्ट, जरा देखूं तो क्या है। ई, ब्रायन मुझे पार्टी पर बुला रहा है। आओ रुको, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, जैसे सफाई करती हुई सिंड्रेला। मैं इस तरह नहीं जा सकती। मैं ब्रायन को अपना ये रूप नहीं दिखाना चाहती। काश मेरे पास फेरी गॉड मदर होती, जो मुझे एक राजकुमारी बना देती, या कम से कम थोड़ा सुंदर तो बना देती। ओह, ये एक बम्पी फ्लाइट थी। फेरी गॉड मदर आ गई। ओह, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आज ब्रायन के साथ पार्टी पर जाना था, लेकिन मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ। ये परेशानी तो है, मैं मदद कर सकती हूँ। खड़ी हो जाओ। ठीक है, पर घर में कोई चूहा मत लेकर आना, चाहे वो कुछ भी करे। सबसे पहले ये ग्लव्स उतारो। चलो देखें और क्या। हाँ, तुम्हारे बाल। ये तो काफी बेहतर है। हमें कपड़े चाहिए, पर तुमने कहा चूहा नहीं चाहिए। ओह उप्स, मैंने कहा था चूहा नहीं। तुम बेवकूफ वैन, कोई चूहा नहीं। क्या हुआ है? और मुझे चीज खाने का मन क्यों कर रहा है? उसकी परवाह मत करो। चलो ये ट्राई करें। ये मेरा स्टाइल नहीं है। फैशन सेंस के लिए चूहा ही होता है। चलो चलो वॉन, अब मुझे निराश मत करना। इसका जादू खत्म हो गया।
मैंने बहुत ज्यादा चेंजिंग कर ली। माफ करना, अब कौन सी चेंजिंग? कोई बात नहीं, मैं ये ठीक कर दूंगी। बस इसके बटन खोलकर इसे इस तरह टक करेंगे और अब आखिर में इसे बांध देंगे। हो गया, बेहतर है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप बेस्ट फेरी गॉड मदर हो। ओह, यू आर वेलकम। अच्छे से पार्टी करना। बेटी रुको, मैं बिना जादू के घर वापस नहीं जा सकती। शायद मैं थोड़ी देर अब यहीं रुक रही हूँ। हे भगवान, बहुत नींद आ रही है। चलो सो जाते हैं। आराम से सोने का बहुत मन है। ये मेरा फोन है, वो कहाँ है? ओह ये रहा। हाँ, किसका कॉल है? हेलो, हे गर्ल, मैं एक पार्टी पर आई हुई हूँ। oh, बहुत no. बढ़िया है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ आना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि तुम आओ। मैं बहुत थकी हुई हूँ। रुको, हे भगवान, आज क्या डेट है? क्या मैं भूल गई? नहीं नहीं, आज ही तो वो पार्टी का डे है। मैं भूल गई, मुझे क्या पहनना चाहिए? ओह, ये ठीक रहेगा। हाँ, जल्दी से शीशे में देख लेती हूँ। हे पेनी, मैं आ ही गई। हाय एवरीवन, सॉरी मैं लेट हो गई। गर्ल, ये तुमने पहना क्या हुआ है? तो पार्टीज में ऐसे आती है, उसकी मर्जी है शायद। यॉइक्स, नहीं, मैं इस कैमरे से इसकी फोटो नहीं खींचूंगी। हाँ, मुझे माफ करना, पर तुम अच्छी नहीं लग रही। ये कुछ ज्यादा क्यूट है, तुम्हें कुछ और पहनना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, मैंने इतनी बड़ी गलती की? अब मैं इसे ठीक कैसे करूं? नहीं, ये पोज काम नहीं आएंगी। ये बेबी क्यूट सी है, मैं और ये हेडबैंड्स नहीं पहनूंगी। रुको, मेरे पास ये दो क्लिप्स है। हाँ, मैं इससे काम चला सकती हूँ। ये ब्रेड्स खोल लेते हैं। हेलो, बाल खुल गए, अब काम शुरू करते हैं। हाँ, क्लिप को लगाएंगे। ये देखो, बस अपने बालों को खींचकर इस तरह क्लिप लगा देंगे। अब बालों को घुमाकर दोबारा क्लिप लगाएंगे। ये देखो, अब बस बालों को इस तरह फैलाएंगे। अब इसे बॉबी पिन से अच्छे से टिका देंगे। अब ये बन चुका है और टिक भी गया। बढ़िया, दूसरी साइड पर भी सेम ऐसा ही करेंगे और हो गया। अब मुझे हेडबैंड ईयर्स नहीं पहनने पड़ेंगे। हे पेनी, मैं वापस आ गई। हे भगवान, मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो कमाल है, तुमने इतनी आसानी से कैसे किया? वो अब इसे देखो, इसके बाल अब काफी बेहतर है। अब मुझे पिक्चर लेनी होगी। हाँ, हमारी पिक्चर लो, हम अच्छे लग रहे हैं। इनी मीनी माइनी मो, मेरा मेकअप बैग इसमें पक्का फिट हो जाएगा। केस के नीचे का हिस्सा नहीं है, शायद ये बैग पैक अब खत्म हो चुका है, पर आज मुझे खाली हाथ रहना था। ठीक है, मेरे पास सबसे बढ़िया आइडिया है। अपने मनपसंद पर्सेस को बैक पैक्स में बदली, बस रैप को अपने गले में डाली, फिर अपने पांच में डाली और बैग को पीछे फेंक दे। बहुत प्यारा है, मुझे रंग बहुत पसंद है। जो भी हो, पर मैं सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गई। ओप्स, अब यहाँ कुछ सफाई करने का समय है। फिर ये बहुत मेहनत का काम है। ओह, एक टेक्स्ट, जरा देखो तो क्या है। ई, ब्रायन मुझे पार्टी पर बुला रहा है। आओ रुको, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, जैसे सफाई करती हुई सिंड्रेला। मैं इस तरह नहीं जा सकती, मैं ब्रायन को अपना ये रूप नहीं दिखाना चाहती। काश मेरे पास फेरी गॉड मदर होती जो मुझे एक राजकुमारी बना देती, या कम से कम थोड़ा सुंदर तो बना देती। ओह, ये एक बम्पी फ्लाइट थी। फेरी गॉड मदर आ गई। ओह, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आज ब्रायन के साथ पार्टी पर जाना था, लेकिन मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ। ये परेशानी तो है, मैं मदद कर सकती हूँ। खड़ी हो जाओ। ठीक है, पर घर में कोई चूहा मत लेकर आना, चाहे वो कुछ भी करे। सबसे पहले ये ग्लव्स उतारो। चलो देखे और क्या। हाँ, तुम्हारे बाल। ओह, ये तो काफी बेहतर है। हमें कपड़े चाहिए, पर तुमने कहा चूहा नहीं चाहिए। उप्स, मैंने कहा था चूहा नहीं, तो बेवकूफ वैन, कोई चूहा नहीं। क्या हुआ है और मुझे चीज खाने का मन क्यों कर रहा है? उसकी परवाह मत करो, चलो ये ट्राई करें। ये मेरा स्टाइल नहीं है। फैशन सेंस के लिए चूहा ही होता है।
चलो चलो वॉन, अब मुझे निराश मत करना, इसका जादू खत्म हो गया। मैंने बहुत ज्यादा चेंजिंग कर ली, माफ करना। अब कौन सी चेंजिंग? कोई बात नहीं, मैं ये ठीक कर दूंगी। बस इसके बटन खोलकर इसे इस तरह टक करेंगे और अब आखिर में इसे बांध देंगे। हो गया, बेहतर है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप बेस्ट फेरी गॉड मदर हो। ओह, यू आर वेलकम। अच्छे से पार्टी करना। बेटी रुको, मैं बिना जादू के घर वापस नहीं जा सकती। शायद मैं थोड़ी देर अब यहीं रुक रही हूँ। घर पे फंस गए हो तो ऑनलाइन शॉपिंग क्यों नहीं करते? ये कितने प्यारे हैं। यिक्स, थोड़े महंगे हैं। पर्पल वाला कितना प्यारा है, देखो। ऐसे पैसे किसके पास होते हैं? मैं थोड़ा आयरन कर लूं। आज कपड़े धोने का दिन है, मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए। इसे तो एक बाजू भी नहीं आएगी। क्या? पहले तो इस पर मार्क नहीं था, शायद ये ब्लीच का काम है। अब मैं क्या करूं? एक सेकंड रुको। बेटी की ब्लीच, शायद ये कुछ काम करे। खैर, जानने का एक ही तरीका है। एक ब्राइट कलर का कपड़ा ले और फोक से ट्विस्ट करें। आसपास कुछ रबर बैंड लगाएं और कुछ ब्लीच स्प्रे कर दें। बस कुछ ही मिनटों में आप चीजों को बदलता हुआ देखेंगे। रबर बैंड को काटें और अपनी कला को देखें। ज्यादा शाबी नहीं, अब बोरिंग स्वेटशर्ट्स नहीं होंगे। ऐसे क्यों भरने जब आप इन्हें खुद बना सकते हैं, और वो भी पुरानी ब्लीच से। मैं इसे निकाल नहीं पा रही। क्या ये मेरी ब्लीच है? पीछे मुड़ो, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। शुक्रिया। क्या ये काम करेगा? अगर आपको भी कुछ क्लोथिंग हैक्स पता है तो हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए।